अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको मेरी तरफ से, गाय सूप की तरफ से और किसान घी की तरफ से और पता नहीं कौन कौन की तरफ से ईद मुबारक। पीटीवी की ईद मुबारक है। जिन्होंने पीटीवी का टाइम देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि पीटीवी इस तरह से ईद की मुबारकबाद देता था। तो आप सबको बहुत 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 खुशियाँ देखने को मिले, आमीन सुम आमीन। और अपने घर वालों के साथ खूब इंजॉय करें इस ईद को भी, और ईदों की तरह है। खाने का तो हमने सोचा कि हम खाएंगे हलवा पूरी नाश्ते के अंदर। तो मैंने चांद रात को ही चने और मेरे पास आलू की तरकारी एक पहले से रखी हुई थी, वो बना कर रख दी थी और आटा भी गूंद लिया था मैंने पूरियों के लिए। मैंने शान के पैकेट से ये चने बनाए थे, बहुत मज़े के बनते हैं। बस तली हुई प्याज घर में होनी चाहिए, ऑयल के अंदर वो डालें, मसाला डालें और चने डाल के पानी डाल दें, उसमें ये गल जाएंगे, इनको मैश कर लें तो बिल्कुल इनका टेस्ट वैसे ही होता है जैसे हलवा पूरी वालों के पास होता है चनों का, बहुत मज़े के बनते हैं। इनकी बारी आई शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए मैं पैकेट लाई हुई थी, बहुत पहले से रखा हुआ था, तो मैंने कहा अपने पैकेट का ही बना लेती हूँ, वरना तो बहुत आसान है, सबको ही आता है बनाना। और ये स्किम मिल्क भी मेरे पास बहुत पहले से रखा हुआ था, मैंने कहा इसी को यूज़ कर लेती हूँ, ये क्वारंटीन में मैंने लेके रखे हुए थे दूध, तो मैंने कहा इसी का आप बना लेती हूँ, वरना तो ये सही फुल फैट मिल्क में बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास जो घर में चीज़ अवेलेबल होती है मैं उसी में बना लेती हूँ। मैंने कहा अब ये दूध ख़त्म करूँ और ये पैकेट भी मैं ख़त्म करूँ बना के, तो बस इसी का मैंने थोड़ा सा शीरखुरमा बना लिया था, भून लिया था उसको ज़रा सा घी के अंदर, और बस फिर दूध डाल दें और पकने दें इसको, और नट्स वगैरह सब कुछ इसमें शामिल थे लेकिन थोड़े कम थे तो अपनी तरफ से और डाल लें आप। तो मज़ेदार शीरखुरमा तैयार हो गया था। सारे काम मैंने चांद रात को ही कर लिए थे क्योंकि फिर मुझे ईद वाले दिन सुबह टाइम नहीं मिलता ये सारी चीज़ें करूँ, या तो फिर आप बहुत पहले सो के उठ जाएँ और रमज़ान की वजह से आपकी नींद इतनी डिस्टर्ब हुई भी होती है। हम सहरी के बाद सोते थे तो नींद ही नहीं आती, एक दो बज जाते हैं तो फिर जल्दी नहीं उठा जाता ईद वाले दिन ना। और नमाज की भी मस्जिद यहाँ पर तो कोई खुली भी नहीं थी, तो उस वजह से जाना ही नहीं था, घर में ही पढ़नी थी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो ईद के दिन नाश्ता किया हमने पूरियों से, चने से, और हलवा मैंने नहीं बनाया क्योंकि शीरखुरमा ऑलरेडी था और शाम को हमारे यहाँ वन डिश थी सबके यहाँ, तो इस वजह से हमने कहा कि मीठा ना ही बनाऊँ दो दो वरना ख़त्म नहीं होगा, तो इस वजह से बस चने बनाए थे। इनको मैंने इस तरह से घोट लिया तो मज़ेदार चने बन गए थे, पूरियाँ भी बनाई मैंने, तो हम लोगों ने ईद की मॉर्निंग इस तरह को इन्जॉय किया था। ये तो सारी चांद रात की तैयारियाँ ही हैं, मेहंदी मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि मैं एशियन शॉप पे गई नहीं, काफ़ी अरसे से गई नहीं हूँ शॉपिंग करने, तो मुझे मेहंदी नहीं मिली। मेहंदी लगाने का शौक़ है लेकिन बस एशियन शॉप को मैं अवॉइड ही कर रही थी कि सिर्फ मेहंदी लेने के लिए जाऊँ क्योंकि बाकी ग्रॉसरी मेरे पास थी इसलिए मैंने नहीं ली। माशाल्लाह से मेरा शीरखुरमा बन के तैयार हो गया, ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। बस हम परदेसियों की ईद इसी तरीके से होती है कि अच्छा से हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हस्बैंड ने अगर छुट्टी की है तो सही है वरना तो उनको काम पे जाना होता है, लंच ऐसे ही घर में थोड़ा बहुत कर लो, अदरवाइज़ फिर डिनर पे ही मुलाकात होती है अपने रिश्तेदारों से। तो मैं यहाँ बना रही थी लंच के लिए बिरयानी, उसका मसाला तैयार कर रही थी, चिकन बिरयानी मैंने बनाई, बस
बिरयानी मैं ईद पर ही बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। और इसको देख के बस याद आता है कि किस तरह से हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ बिरयानियाँ मुख्तलिफ़ जगहों से खाते थे, और ईद के दिन ख़ास तौर से हमारे घर बिरयानी बनती थी। तो पाकिस्तान वाली ईद तो हमें यहाँ नहीं मिलती, कि महल्ले के बच्चे आते थे ईदी लेने, लड़कियाँ आती थी छोटी छोटी बच्चियाँ मेहंदी लगवाने, क्योंकि हम मेहंदी लगाते थे बच्चियों को। तो सारी रात हमारे घर में शोगल रहता था बच्चियों की वजह से, और बहुत मज़ा आता था चांद रात वाले दिन। तो बस ऐसे ही नॉस्टैल्जिया होता रहता है हर ईद पे, क्योंकि पाकिस्तान वाली ईद यहाँ नहीं मिल पाती है। ख़ासतौर से मैं जिस एरिया में रहती हूँ तो यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है, तो कुछ फ्रेंड्स भी नहीं है, तो बस अकेले गुजर। तो बस इस तरह से हमारी सादी सी ईद गुजर जाती है। और क्या कहते हैं, अगर हस्बैंड ने छुट्टी की हुई है तो फिर लंच में भी मज़ा आता है दो तीन आइटम बनाने में। तो मेरे हस्बैंड को कल पे जाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं। तो मैंने कल की सी बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहारी भी बनानी थी वन डिश के लिए डिनर में। डिनर में हमने खूब इंजॉय किया, पूरी फैमिली से मुलाकात हुई। मैं अपनी जेठ जेठानी के घर गई थी, वहाँ मेरी नंदे भी आई हुई थी, और मेरे हस्बैंड की कज़न सब मैरिड हैं और सबके बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो वहाँ खूब हल्ला गुल्ला हम लोगों ने किया, मज़ा काफ़ी लेट नाइट आया, खूब मज़ा कर आके ना सारी बातें बातें की, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी इफ्तारियों में मिलना नहीं हुआ, वरना माशाल्लाह से अच्छी खासी इफ्तारियाँ हो जाती हैं हमारी, तीन चार इफ्तारियाँ। तो ये है कि इतनी बोरियत नहीं होती। अब के रमज़ान में हम लोग कहीं इफ्तारी पे भी नहीं गए, सिर्फ एक बार गए और कहीं और नहीं गए, तो इस वजह से ज़्यादा वो मिस कर रहे थे एक दूसरे को। तो खूब बातें की और खूब इंजॉय किया। बस लॉकडाउन की वजह से ना मैं ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर नहीं जा रही थी, इस वजह से मैं मेहंदी भी नहीं ले सकी। तो मुझे थोड़ा बहुत खाली खाली सा फील हुआ था, इस बार मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। वैसे तो इस साल लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में भी ईद बहुत सादगी से ही मनाई गई है, बस बहुत ही इमीडिएट फैमिली वाले आपस में मिल रहे थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी सादगी से ही मनाई गई। लेकिन फिर भी मसाजिद खुली हुई थी, लोग नमाज अदा करने भी गए, इतिकाफ में भी बैठे हैं, तो ये सुन के खुशी हो रही थी। लंच बन के तैयार हो गया था, जो मैं अकेले इंजॉय कर रही थी। जी हाँ, अकेले ईद वाले दिन ये मैंने कपड़े निकाले थे इस्त्री करने के लिए, अपने लिए ये कपड़े निकाले थे। मेरे पास पहले से जो रखे हुए थे वो ही क्या कहते हैं मैंने पहने हैं, मैंने कोई नए कपड़े बनवाए ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही लॉकडाउन था, तो आप किसी को क्या कहते हो। मैं भी पाकिस्तान से आई हूँ, तो मेरे पास कुछ कपड़े थे फैंसी, तो मैंने वो ही पहन लिए। और अगर ना होते तो भी मैं नहीं मनवाती, घर में से ही कोई कपड़े पहन के जाती, क्योंकि मेरा बिल्कुल इस बार ईद मनाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। और वैसे भी हमारी बोर इसलिए गुजरी कि हस्बैंड को काम पे जाना पड़ गया। पहले तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि संडे की ईद है तो आराम से पूरी फैमिली घर में इंजॉय करेंगे, लेकिन ये ईद मैंने ईद का दिन अकेला ही गुजारा शाम तक, तो इसलिए ज़रा मुझे बहुत ही बोरिंग लगी ईद। इब्राहिम के लिए मैंने शलवार कमीज़ निकाला, आप देखें इसका गला कैसा है ना, कॉलर वाला। और वो इब्राहिम ने ज़रा सा पहना और रो रो के उतरवा दिया कि मैं कोई तस्वीर भी नहीं ले सकी। उसने कहा शलवार कमीज़ तो मैं पहनूंगा ही नहीं, कह रहा है ये अबू के कपड़े हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल डेज में उसे पहनाती नहीं हूँ शलवार कमीज़। तो शलवार कमीज़ को देख के कह रहा है ये अबू के कपड़े, ये मेरे नहीं है और पहना ही नहीं, और कह रहा है गला चुभ रहा है। इतना रोया कि मैं तस्वीर भी मैंने ली है लेकिन सारी रोती भी थी, तो फिर मैंने वो खींची ही नहीं तस्वीरें। और ये मैंने उससे शर्ट ली हुई थी पहले की रखी हुई है, तो मैंने कहा यहीं में से एक पहना दूँगी शाम को जब हम वन डिश के लिए जाएंगे। इब्राहिम की मैं कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, मैंने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ईद बहुत सादा थी, ना हमने कोई कपड़े लिए ना कुछ, जो घर में था बस वही पहना और थोड़ा बहुत खाना बनाया और इन्जॉय किया। तो फाइनली हमारा नाश्ता तैयार हो गया था, शीर खुरमा था नाश्ते में, दही बड़े बनाए हुए थे मैंने, आलू की तिलकारी थी, चने थे और पूरियां बनाई थी मैंने। बहुत मज़े का नाश्ता किया हमने, हैवी किस्म का, तो एक दो केजी वेट कम हुआ था वो इस नाश्ते को खा कर बिल्कुल पूरा हो चुका था। एक दो दिन के अंदर इतना खाना होता है ईद के दिनों में कि आपका जो थोड़ा बहुत वेट कम होता है वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, क्योंकि नाश्ता इतना हैवी, फिर लंच में फिर थोड़ी सी बिरयानी खाई और फिर डिनर में वन डिश, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात हुए होंगे पेट के। हस्बैंड तो चले गए काम पे, फिर मैंने कहा चलो जल्दी से नहारी चढ़ाती हूँ, फिर मैंने नहारी चढ़ाई, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी
मैंने बड़े भगोने में चढ़ाया, पकती रहती है खुद ही ये बेचारी घंटे में तैयार। फिर नहार बनाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, इब्राहिम को भी सुला गया था। फिर मैं शाम को हो गई तैयार, ये मेरा ड्रेस था, सैंडल्स भी मैंने नई नहीं ली, मेरे पास जो पुरानी रखी हुई थी वही सैंडल मैंने पहनी। मेरा ड्रेस देख सकते हैं, इसमें सितारों का काम हुआ हुआ था, बहुत ही प्यारा ड्रेस था ये। इसके बॉर्डर पे इतना अच्छा काम हुआ हुआ था, ये बहुत अच्छा लगा। बस चूड़ियाँ वगैरह भी मैंने नहीं पहनती, मेकअप मैं करती ही नहीं हूँ, तो मेकअप मैंने ख़रीदा ही नहीं, तो इस तरह से सादी सी ईद हो गई। ईद का सही शुगल लगा जब हम जेठ जेठानी के घर पहुँचे, वहाँ सबसे मुलाकात हुई, बातें बस बातें होती रहीं, बहुत इंजॉय किया, सारे बच्चे आए हुए थे इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के, तो अब लगा कि ईद हो रही है। शाम के वक्त हमें पता लगता है कि ईद हो रही है। था ईद वाले दिन बटर चिकन थी, नहारी थी, ये चने की दाल तवीले हैं, ये भी बहुत मज़े के थे, पाए थे, हलीम भी बना हुआ था, और सिंगापुरियन राइस थे, और कटे मसाले का कीमा था, तो बहुत सारे खाने। ये थी हमारी सादी सी ईद। अल्लाह ताला हम सबको हज़ारों अच्छी खुशियाँ के साथ ईद देखनी नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।